यूनिवर्सिटी का सामने हूँ और मैं आपको नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी दिखाने वाला हूँ, जो ये नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस है। पीछे का जो टावर जैसा दिख रहा है, ये अरुणाचल सिटी का आइकॉनिक बिल्डिंग है और वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा। और ये है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस और ये ब्लॉक वन एंड ब्लॉक टू में डिवाइड है। Now I will be going inside our university and I will be showing you block 1. So here you can see there you will find Sevar Bank and Gazprom Bank. But because of sanction, these are not working for Indian student. And this is block 1. This is called block 1. In this we have DIN office, we will have passport office and we will have both small canteen and big canteen. और यहाँ पे सामने हम जैकेट सबमिट करते हैं और ये है सेंट्रल हॉल, इसको हम सेंट्रल हॉल भी बोलते हैं और यहाँ पे लोग जैकेट सबमिट करते हैं। जैकेट इसलिए सबमिट करते हैं क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ ए रूल्स दैट यू शुडेंट वेयर ए जैकेट इनसाइड द बिल्डिंग एंड हेयर टेम्परेचर्स रिमेन्स नॉर्मल टेम्परेचर, सो नो वन इज़ अलाउड टू वेयर जैकेट। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड 1250 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मॉस्को और यहाँ पे इंडिया के स्टूडेंट, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट आते हैं पढ़ने। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर टू सिक्स ईयर इट विल बी इंग्लिश मीडियम एंड ऑल्सो देयर इज़ ए रशियन मीडियम कोर्स। और एक सवाल जो कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वे ऑफ राइटिंग एग्ज़ाम हेयर, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट लेना पड़ता है हर एक सब्जेक्ट में और जो भी आपको टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका एग्ज़ाम होगा वीकेंड पे या उस टॉपिक ख़त्म होने के बाद। तो उस हिसाब से आपको हर एक क्लास का जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको आपका सिग्नेचर लेना पड़ेगा पास होके, इसको बोलते हैं कि क्रेडिट लेना। जब भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा तब आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। यही जगह है जहाँ पे आपको दीन ऑफिस मिलेगा और यहाँ पे आपको जो क्लास का शेड्यूल है ये ऑनलाइन भी मिल जाता है इनका वेबसाइट में और यहाँ पर लिखा भी होता है। और यहाँ पर आपको कोई भी पासपोर्ट हो, कोई भी इशू हो, यही पर आके बताया जाता है। हर एक स्टूडेंट को क्रेडिट लेना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको क्रेडिट नहीं है तो आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते हो। इसलिए जो भी टॉपिक है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा और इस पर आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा। और एक बात यह है कि अगर आपने हर एक सब्जेक्ट पे जो भी टेस्ट होगा उसमें 5 में से 5 मिल रहा हो तो आपको अफ्तमात मिलेगा। अफ्तमात मतलब ये होता है कि आपको एग्ज़ाम लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसके बाद भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा, मतलब आपको पास भी किया जाएगा विथ फुल मार्क। अभी मैं दोबारा सेंट्रल हॉल जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि सेंट्रल हॉल जो है वहाँ पे सब लोग जैकेट रखते हैं और ये कैसे दिखता है। दिस इज द स्मॉल कैंटीन ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, हियर यू विल गेट कॉफ़ी एंड केक एंड अदर थिंग्स। कॉफ़ी का जो मिनिमम प्राइस है वो 60 आता है, पहले ये कम प्राइस का था। और यहाँ पे बड़ा कैंटीन भी है जो आई विल शो यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। अभी मैं कैंटीन का बाहर आ रहा हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब लोग बैठते हैं और यहाँ पे मेन जगह है जहाँ पे लोग आके जैकेट रखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं या क्लास कहाँ पे लगता है इसका बारे में पता करते हैं। और ये है इमिग्रेशन ऑफिस, यहाँ पे आपको पासपोर्ट जमा करना होता है, पासपोर्ट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये जो है ना, ये यहाँ का छोटा सा एक दुकान है जहाँ पे आपको पेन, पेंसिल, कॉपी ये सब मिल जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस बाय न्यू स्टूडेंट इज दे डोंट फाइंड द क्लास नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 देयर 1 मीन्स ब्लॉक नंबर, 2 मीन्स फ्लोर नंबर एंड 3, 4 means room number of that floor. If it is 2410 means block 2, 4th floor and room number 10 of that floor. So whenever you go to university next time, always try to understand this or else you will be roaming around the university and it will be late to go to class as you will not know exactly where to go.
अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का लेक्चर हॉल। तो ऐसा अलग अलग लेक्चर हॉल होता है, ये लेक्चर हॉल कुछ इस तरीके का है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। ये है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का रीडिंग रूम, और रीडिंग रूम रिमेन्स ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एवरी 9 o'clock टू 6 o'clock, एंड ऑन सैटरडे इट इज़ फ्रॉम 9 o'clock टू 4 o'clock। और रीडिंग रूम में बहुत ज़्यादा शांत होता है, आप आराम से रीडिंग रूम में पूरा दिन पढ़ सकते हो। Now I will be going to big canteen and I will show you whatever the facilities available. For going to big canteen you have to go through second floor of block 1. ये है big canteen, इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत बड़ा है, आपको कोई भी खाने का जो चीज़ है मिल जाएगा। और दूसरा बात यह है कि if sometimes if you don't want to go to reading room you can sit here and study also. मैंने जो बताया था कि जो छोटा वाला कैंटीन है वहाँ पे सिर्फ आपको कॉपी, खाचापूरी, केक, इस तरीके का चीज़ें मिलता है, बट ये जो कैंटीन है इसमें आपको जैसे चाना हो, कोई फ्राई चीज़ हो या एक्स्ट्रा जो भी आप पेट भर सकता है सब चीज़ मिलता है इस कैंटीन में।